बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को दुनिया से गए एक साल होने वाला है। 7 जुलाई 2021 को वह इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। दिलीप साहब के जाने के बाद से साया बनकर उनके साथ रहने वाली उनकी पत्नी सायरा बानो बेहद अकेली हो गई हैं और अक्सर देखा गया है कि हर पल दिलीप साहब को वो अपनी यादों में संजोए रखती हैं। हाल ही में सायरा बानो दिलीप कुमार की तरफ से भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार लेने पहुंची थी, जहां उनकी आंखों में एक बार फिर दिलीप साहब को याद करते हुए आंसू आ गए। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव में इस पुरस्कार को लेने के लिए सायरा बानो पहुंची थी, जहां उन्होंने दिलीप साहब को अपना कोहिनूर बताते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि दिवंगत एक्टर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं जाने माने पेपराजी विरल भयानी ने इस इवेंट की एक झलक शेयर की है, जिसमें सायरा बानो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से दिलीप कुमार के लिए ये सम्मान लेती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में रामदास अठावले जैसे ही दिलीप साहब के बारे में बात करते हैं, वैसे ही सायरा टूट गई और अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाई। सायरा ने कहा कि यही कारण है कि उन्हें कार्यक्रमों में शामिल होना पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके पर वह खुद को संभाल नहीं पाती और भावुक हो जाती हैं। उस खास मौके पर मीडिया से बात करते हुए सायरा बानो ने ये खुलासा किया कि उन्हें लगता है कि दिलीप अब भी उनके करीब हैं और सब कुछ देख रहे हैं। दिवंगत एक्टर के लिए भारत रत्न के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा होना चाहिए क्योंकि दिलीप साहब हिंदुस्तान के लिए कोहिनूर रहे हैं, इसलिए कोहिनूर को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। सायरा बानो के इस मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल MDTV एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।